Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एक्सरसाइज है 4.2 और क्वेश्चन है हमारा 2. पिछले सवाल में हमने असेंडिंग ऑर्डर का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व किया था. आज का क्वेश्चन उससे अपोजिट है, यानी कि राइट द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द टर्म द गिवन वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखना है. तो डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग से बिल्कुल अपोजिट है. वही मैं आपको स्टेयर्स वाली एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हैं कुछ स्टेयर्स. अब असेंडिंग में जाना होता है नीचे से ऊपर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ. और डिसेंडिंग में आना होता है ऊपर से नीचे, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ. ठीक है, तो चलें फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x-1. बिल्कुल अपोजिट है. क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है पहले लिखेंगे, x के ऊपर क्यूब है तो आ जाएगा x पहले, फिर आएगा यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर, देन आएगा माइनस का 2x और फिर लास्ट में आ जाएगा 1. अब अगर हम इसे अपोजिट करेंगे तो ये बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, y माइनस 4y² माइनस 7 प्लस y³ माइनस 5y⁵. अब यहाँ पर है एक ही वेरिएबल y, तो इसी की मदद से हम इसे करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि y का ऐसा कौन सा वेरिएबल है, कौन सी वो टर्म है y की जिसमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंट मौजूद है. तो यह है माइनस 5y, यह आ जाएगा सबसे पहले क्योंकि इसके ऊपर मौजूद है 5. इसके बाद हमने देखना है 5 से छोटा कौन सा है, 5 से छोटा 4 होता है, देन होता है 3, तो फिर आ जाएगा प्लस y³, फिर आएगा स्क्वायर वाला तो आ जाएगा माइनस 4y², फिर आएगा y सिंपल, या 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो फिर आ जाएगा प्लस का y और फिर सिंगल नंबर है उसमें y नहीं है, तो ये आ जाएगा सबसे लास्ट में. ठीक है, अगला सवाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है 3/4 माइनस t माइनस 2/3 t³ प्लस t पावर है 6. अब इसमें क्या करना है, t दिया हुआ है, सबसे पहले ऐसा वेरिएबल लिखेंगे हम जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट, बड़ा एक्सपोनेंट हो जिसका, तो यह है t⁶. सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है इसका, t⁶ आ गई. इसके बाद आएगा t से के 6 से कम 5, 4 या फिर 3, तो यहाँ पर है माइनस 2/3 है t³. फिर इसके बाद आएगा माइनस का t एंड लास्ट में आ जाएगा प्लस का 3/4, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये इसी तरह से आ जाएगा. अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है z⁵ प्लस 2z-1/3 प्लस z³. सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है, z⁵ आ गया. फिर इसके बाद देखेंगे इससे छोटा तो है प्लस z³, देन प्लस 2z-1/3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 4y³ माइनस 2y प्लस 5y⁴ प्लस 7. तो कौन सा y है जिसमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है, तो वो है ये, तो आ जाएगा 5y⁴, देन आएगा प्लस का 4y³, देन आएगा माइनस 2y और लास्ट में प्लस का 7. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 सवाल सॉल्व किए. उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.